लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखरी खत मेरा किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो तेरी आँखों के दरिया कहाँ उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का बिखरना भी ज़रूरी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। फाइनली फायर मीडिया की टीम आज जम्मू के शहर में पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू की बेटी वर्षा जम्वाल, जो सिर्फ जम्मू की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की शान है, जम्मू कश्मीर की शान वर्षा जम्वाल इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। वर्षा, कैसे हो आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फायर मीडिया में। कैसा लग रहा है जब आप जम्मू की शान सुनते हो या जम्मू की बेटी, कैसा लगता है उस समय? सबसे पहले फायर मीडिया के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल, जय डुग्गर, जय डोगरा। मैं हूँ आपकी अपनी जम्मू की कुड़ी वर्षा जम्वाल। तो जैसे आपने बात की कि लोग जब आपको बोलते हैं कि जम्मू की शान या जम्मू कश्मीर की बेटी, तो ये आप खुद ही सोच लो कि कितना अच्छा लगता है, कितना प्राउड फील होता है कि जम्मू के लोगों का मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। तो ये एक फीलिंग ही बहुत यूनिक सी है कि जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो ये कुछ अलग सा फील है और जितनी खुशी मुझे होती है वो आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो एक अलग ही एहसास होता है जब आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो, वो चीज़ जब आपको मिलती है, जब मिलना स्टार्ट हो जाती है, उसका फील ही एक अलग सा है, तो बहुत ही खुशी मिलती है। वर्षा, आपने इंडियन आइडल में भी आप टॉप 30 में आए थे जहाँ तक हमने सुना है, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस अगर हमारे दर्शकों के सामने शेयर करेंगे। हाँ, मैंने कई दफ़ा शेयर किया है, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस घर से लेकर मंच तक का। हमने ऑनलाइन ऑडिशंस दी इस बार, तो मुझे मौका मिला कि मैं भी जाकर बॉम्बे में जजेस के सामने गा पाऊँ। तो एंड यू नो कि आप सभी को पता है कि गोल्डन टिकट जो मुझे मिला था, मैंने पोस्ट किया था, तो वो मिला, देन मैं टॉप 30 तक गई, तो दैट मींस अ लॉट। ये वही आवाज़ है जो अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बस रही है। सबसे पहले हम इनकी आवाज़ में गाना सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातचीत होगी। वर्षा, आपकी आवाज़ अब लोगों के दिलों में बस रही है, क्या सुनाएंगे आप? मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ही डोगरी गाती हूँ, डोगरी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस जगह में हम रहते हैं सबसे पहले हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, चाहे हम जम्मू से, चाहे हम कश्मीर, चाहे हम लद्दाख से हैं, बट जिस मिट्टी पे हमने जन्म लिया है उसको हमें कहीं ना कहीं जिंदा रखना है। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं कुछ भी गाऊँ, जो मेरा जॉनर है वो सूफी कवाली टाइप है, बट मैं कहीं ना कहीं ये चाहती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखूँ, साथ में सब कुछ गाऊँ। क्या मैं एक डोगरी गाना सुनाऊँ? ओ दिल धड़क धड़क पे आ धड़के, दिल धड़क धड़क पे आ धड़के, जो वन ठाठा मारदा ओ छुट्टी लई आ डोगरा जा, दिल वाजा मारदा ओ छुट्टी लई आ डोगरा जा, दिल वाजा मारदा, दिल धड़क धड़क पे आ धड़के, दिल धड़क धड़क पे आ धड़के, जो वन ठाठा मारदा छुट्टी लई आ डोगरा जा, दिल वाजा मारदा छुट्टी लई आ डोगरा जा, दिल वाजा मारदा। जय डुगर, जय डुगर। डोगरी में इतना अच्छा खूबसूरत सॉन्ग और इतनी अच्छी आवाज़, इतनी स्वीट वॉइस सिर्फ वर्षा जम्वाल की हो सकता है, सकती है। वर्षा, कितना सपोर्ट मिलता है, लोगों का कितना सपोर्ट है या अपनी फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है इसमें? शीतल जी, क्या होता है कुछ बनने के लिए पहले हमें पब्लिक के बीच में आना पड़ता है। जब तक हम पब्लिक के बीच में ना आए तब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलता, और वो पब्लिक के बीच में आने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिकॉज कैसे पब्लिक के सामने आए, कैसे गाएं, समझ नहीं आता है, कैसे हमारा नाम हो कुछ समझ नहीं आता। बट ये कि हम बहुत ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, तो आस्ता 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 कर करके लोगों की नज़रों में आके 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 कहीं ना कहीं
बहुत मेहनत से पहचान मिलती है। जब थोड़ी सी पहचान मिलना शुरू हो जाए ना, फिर पब्लिक आपको अपने आप उठा लेती है। और मुझे उठाने वाली मेरे जम्मू कश्मीर के सभी लोग हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। और मेरी माता रानी है जिनके मैं जागरण करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ बट मैं जागरण जो है माता रानी की वो ज़्यादा करती हूँ, जिससे मुझे पहचान मिली है। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी माता रानी का, अपने पेरेंट्स, मेरी मदर, मेरे भैया का और आप सभी जनता का शुक्रिया करती हूँ। आज जम्मू दी कुड़ी वर्षा जमल जो भी है वो आप सबके प्यार की वजह से है। वर्षा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो इस समय। हम भी अपनी पूरी टीम की ओर से कामना करते हैं कि आप काफ़ी अच्छा करो। आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स और वर्षा जम्वाल को कहाँ पे देखने वाले हैं आने वाले दिनों में? आने वाले प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी हैं, आप सब देख रहे हैं। मैं पोस्ट कर रही हूँ अपने पे, जिससे मेरा एक सॉन्ग आ रहा है डोगरी और हिमाचली। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप जम्मू के रहने वाले हो जी, आप हिमाचली क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता दूं कि जम्मू और हिमाचल का कुछ ऐसा एक दूसरे के साथ कनेक्शन है कि हिमाचल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हमारी जम्मू की लैंग्वेज है डोगरी, वो कहीं ना कहीं मिलती है। तो ये जो सॉन्ग है ये खाली जम्मू वालों को समझ नहीं आएगा, ये हिमाचल वालों को भी आसानी से समझ आएगा। इसलिए इसको हम एक हिमाचली डोगरी सॉन्ग बोल रहे हैं, ताकि जम्मू का तो प्यार मिलता ही मिलता है कि हमारी जम्मू की लैंग्वेज को बाहर का प्यार भी मिले। तो कहीं ना कहीं हिमाचल से भी थोड़ा बहुत टच है कि हिमाचल वालों को भी समझ आ जाए, इसलिए ये हिमाचली डोगरी सॉन्ग है। तो मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी आप सभी के रूबरू होने जा रहा है ये सॉन्ग, हिमाचली डोगरी सॉन्ग है। तो मैं जरूर, आप सभी जरूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। बहुत जल्दी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बाद मेरा एक भजन भी आ रहा है, पंजाबी ट्रैक भी आ रहा है, काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स मैं लेकर आ रही हूँ मार्केट में। मंदिरों का शहर जम्मू, जहाँ पे इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं वर्षा जम्वाल के साथ, अगर मंदिरों का शहर जम्मू है तो जरूर वर्षा जम्वाल की आवाज में एक भजन सुनेंगे। वर्षा जी, एक भजन जरूर सुनना चाहूंगा, छोटा सा भजन, दो लाइन। मंदिरों का शहर है जम्मू, मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो भजन जरूर सुनना चाहूंगा। ओके, जो जरूर मैं माता रानी का एक भजन सुनाऊंगी। ओ जम्मू शहर खंड मिठे पतासे, परिए आना कोल, परिए आना कोल, सुन माँ मेरी मन आखदा मैं रोना चरने कोल, सुन माँ मेरी मन आखदा मैं रोना चरने कोल, मैं रोना चरने कोल, सदा सुख पाना चरने कोल, मैं रोना चरने कोल, सदा सुख पाना चरने कोल। जम्मू शहर खंड मिठे पतासे, जय माता दी। जब इतनी मीठी आवाज़ साथ होती है तो मन करता है इस गाने को सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, ऐसा मन ही नहीं करता है कि इस वीडियो को रोकें। आगे बातचीत करते हैं। वर्षा जी, कोरोना वायरस रहा पिछले साल, कितनी मुश्किलात रही उस समय, क्योंकि एक आर्टिस्ट को लगातार जितना वो काम पे रहेगा, जितना वो फील्ड पे रहेगा, उतना ज़्यादा आर्टिस्ट के लिए अच्छा रहता है। तो कोरोना की वजह से कितनी मुश्किलें आई आपके सफर? बहुत ज़्यादा, हम सब जानते हैं, खाली आर्टिस्ट को नहीं, हर इंसान को आई है, चाहे कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सभी को कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को कुछ ज़्यादा हुआ। बिकॉज क्या होता है कि आर्टिस्ट लोग क्या होते हैं कि हम अपनी कला पे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा और स्टैंड बाय में कोई और चीज़ नहीं होती है। कुछ आर्टिस्ट तो हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं, चलो ठीक है, उनको पे आ रही है, वो कमा रहे हैं। बट जैसे हम जैसे आर्टिस्ट हैं, हम लाइव कमाने वाले, मतलब लाइव गाने वाले हैं, ताज़ा कमाने वाले ताज़ा खाने वाले हैं, कि कमाई होगी तो हम खाएंगे, तो कमाई नहीं होगी तो हमारा घर नहीं चलेगा। तो ऐसा होता है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे जिनके परिवार बच्चे हैं, तो उनको अपना पूरा परिवार देखना है, बच्चों को देखना है, उनका काम ही सारा जागरण करके हैं, डोगरी प्रोग्राम करके, कुछ भी करके, बस बजाकर गाकर ही उनका गुजारा होता है। तो उनका हालात इस टाइम बहुत बुरे रहे। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना कुछ हेल्प नहीं मिला उनको, क्योंकि हर चीज़ को देखा जा रहा है, फार्मर्स को देख रहे हैं, मैं मानती हूँ अच्छी बात है, फार्मर्स को देख रहे हैं, हर इंसान को देख रहे हैं, हर चीज़ को, किसान को इतनी मदद मिली है। तो हम आर्टिस्ट को क्या, हमारे लिए क्या आया, क्या पैकेट से हमारे लिए आए गवर्नमेंट की तरफ से? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 370 और 35 से हटने के बाद कयास लगाई जा रही है, हर कोई कलाकार से लेकर हर कोई जो चाहता है वो हमें जो है अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, आर्टिस्ट को किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए, किस तरह का प्रोत्साहन चाहिए, किस तरह का प्रोत्साहन ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के? देखिए, मैं आपको सच बोलूँ, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरा लाइव का परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंसेज करती हूँ मैं। 8 महीने कोरोना में निकले, कोई घर पूछने नहीं आया कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज हमने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स किए हैं, ऐसा नहीं है, मैं स्टेट को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, बाल रंग कार्यक्रम में मैंने जम्मू कश्मीर की हर लैंग्वेज में गाने गाए हुए हैं। मैं जाती थी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब हमारे प्रोग्राम्स हो तब हमें सब याद करते हैं, उसके बाद हम कहाँ, हम कहाँ पे, उसके बाद मैं पूछा तक नहीं जाता। तो कहीं ना कि हमें भी, मुझे भी नहीं पूछा गया, कोई पूछता नहीं आके कि आपकी कैसे आपके दिन निकले, कैसे नहीं। हाँ, अब लॉकडाउन खुल गया है, अब प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ठीक है, पब्लिक तो प्यार देती है, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक तो काम देगी, हम करेंगे, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि
कुछ करे हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए सोचे, क्योंकि लोग तो प्यार देते हैं जब तक आपका साथ नहीं ना हो तब तक हमें वो किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो उभरते हुए कलाकार हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें एक उनके लिए कुछ बनाया जाए जम्मू में क्यों नहीं जॉलीवुड खोलते हैं, जम्मू की इंडस्ट्री बनाओ ना, ताकि जम्मू के लोगों को भटकना नहीं पड़े। जम्मू कश्मीर के बच्चे क्यों पीछे रहते हैं, यही रीजन है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है। और जो आगे बढ़ता तो उसको तो फिर ऐसे ही, आपको पता ही है कि यहाँ क्या एक दूसरे की टांग लाइक पुलिंग बहुत ज्यादा है, तो उसको उनको प्यार दो, उनको सपोर्ट करो। ये गवर्नमेंट का काम है कि हमारे लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जम्मू में कि जाके जम्मू की जो आर्टिस्ट हैं वो कुछ कर पाए आगे, उनका नाम हो, हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। प्लेटफॉर्म दीजिए हमें जम्मू में, और ताकि हमारे जम्मू के बच्चे जम्मू कश्मीर में ही जम्मू की इंडस्ट्रीज में अपनी लैंग्वेज में, चाहे कश्मीर की कश्मीरी लैंग्वेज में, लद्दाख की लैंग्वेज, जम्मू की डोगरी लैंग्वेज में ही फिल्म बने, इंडस्ट्री बने और इंडस्ट्री तैयार हो और बाहर के लोग तरसे जम्मू में आने के लिए, जम्मू की इंडस्ट्री काम करने के लिए। ये नहीं कि बॉलीवुड, देखो बॉलीवुड आज कहाँ पहुंच गया, पंजाब आज कहाँ पहुंच गया, बॉलीवुड कहाँ पहुंच गया, तो जम्मू को जॉलीवुड बनने में क्या प्रॉब्लम है। जब तक ये पॉलिटिक्स, ये जो लफड़े शफड़े जो चलते हैं ना, ये गेमें जब तक बंद नहीं ना होंगी तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। हर कोई अपनी धुन में, हर कोई अपना धुन में, हर किसी को अपना मतलब है कि मेरा हो, बट हमारा भी सोचो। तो ये गवर्नमेंट आपको देखना है। ये वर्षा जम्वाल का कहना है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आर्टिस्ट के लिए करे, कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के कलाकारों के लिए करे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे, इनका कहना है कि यहाँ पे ज़्यादातर राजनीति चलती है, ना कि इन कलाकारों की ओर देखा जाता है। इन दिनों कलाकार के लिए जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़रूरी है, कलाकारों के लिए सोशल मीडिया बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें 2G पे ही रखा है, 4G नहीं दे रहे हैं। आप लाइव शोज़ करते हैं, कितना मुश्किल होता है और क्या डिमांड रखेंगे यहाँ से जम्मू कश्मीर प्रशासन। एक बात बताइए, उधमपुर में क्या, उधमपुर में 4G चल रहा है, उधमपुर में खतरा नहीं है, वहां पे क्यों 4G चला रहे हैं, हमारे जम्मू में क्यों नहीं चलाया। देखिए जिसने करना वो 2G में भी कर देगा, 2G भी हम नहीं वीडियोस अपलोड करते हैं फेसबुक पे, हम यूट्यूब पर नहीं डालते हैं, जो गड़बड़ी होगी वो 2G में भी हो जाएगी, तो 4G में ऐसा क्या हो जाएगा। 4G में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 2G में थोड़ा लेट होगा, बट होगा। शोज में कितनी दिक्कतें होती हैं बिना 4G? मत पूछिए, हमारे लॉकडाउन में चल के ना हमने, मतलब सोशल मीडिया ने ही हमें थोड़ा बहुत प्यार दिया, उसी की वजह से हम बने रहे, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, घर बैठ के हमने वीडियोस डाली हैं और वायरल होती गई, लोगों का प्यार मिलते गया। बट 4G की बहुत प्रॉब्लम है, ना ही हम आर्टिस्टों के लिए बल्कि हर इंसान के लिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड, हमारी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, मैं आपको बताऊँ हम कनेक्ट नहीं हो पाता, परेशान हो जाते हैं कि क्या, जिनके घर में वाईफाई लगे हैं वो तो चलो ठीक है, आनंद ले रहे हैं, जिनके घर में नहीं है बेचारे, तो वो कहाँ से करें, कैसे पढ़े, इतनी मुश्किल हो रही है। अभी तो चलो हमारे कॉलेजेस खुल गए हैं, बट फिर भी 4G चलाओ, 4G के बिना कुछ भी नहीं है। वर्षा, एक छोटा सा संदेश हमारे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा, उन कलाकारों के लिए जो अभी छोटे हैं, जो उभर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? एक ही संदेश है, सबसे पहले अपनी नीयत को साफ रखो, अच्छा सोचो दूसरों के लिए, खुद के लिए अच्छा होगा। ये मत सोचो कि कोई अगला आगे कैसे बढ़ रहा है, ये सोचो कि हम आगे कैसे बढ़े। किसी की परवाह मत करो, किसी को मत कॉपी करो कि ये इतना नाम कैसे कमा रही है, ये इतना कैसे कमा रहा है। अपने में विश्वास रखो कि मैं क्या करूँ कि मुझे भी लोग जाने। बस अपने दिल को ना साफ रखो, जिस दिन अपने दिल को साफ रखोगे आगे पहुँच जाओगे। और अपनी बेटियों को प्यार दो, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरा हमेशा रहता है, क्योंकि मैं आरओबी की अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ, रीजनल आउटरीच ब्यूरो, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम बेटियों को प्रोत्साहित करें, उनको प्रमोट करें कि बेटियां आगे आए और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। और नाम तभी तक रोशन नहीं कर पाएंगे जब तक अपने माँ बाप का सपोर्ट ना हो, जब तक अपने पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बेटियों को सपोर्ट करो, उनके साथ चलो, कदम से कदम मिला के देखना, वो आपका नाम पूरे भारत में रोशन करेंगी। बिल्कुल, पूरे भारत में रोशन करेंगी अगर बेटियों को सपोर्ट मिलेगा तो। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कलाकार हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए, उनको कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो भी अपनी कलाकारी के दम पर कुछ अच्छा कर सकें। वर्षा, अंत में एक छोटा सा गाना, उससे हम इस वीडियो को एंड करेंगे, क्या सुनाओगे? मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे जो हमारे धर्म है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी के लिए एक गीत है मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा आपस में सभी का जो तालमेल जो प्यार है वो बना रहे। तो ये आप सभी के लिए। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। नमाज हो या आरती, दोनों में है ये शांति, लड़े नहीं मरे नहीं, मेरे वतन में क्या नहीं, लड़े नहीं मरे नहीं, मेरे वतन में क्या नहीं। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमीं,
जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद वर्षा बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भविष्य है वो सफल हो, हम यही उम्मीद करते हैं। वर्षा जम्वाल, जम्मू दी कुड़ी, जम्मू दी बेटी, इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात कर रही थी, जिससे हमने काफ़ी सारी बातें की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उभर के आई वो है जम्मू कश्मीर के कलाकारों को सपोर्ट करना। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कलाकार को जब तक सपोर्ट ना मिलेगा तब तक कलाकार अपनी कलाकारी नहीं दिखा सकता। वैसे भी जम्मू कश्मीर कलाकारी के अगर क्षेत्र में हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। आप देखते रहिए फायर मीडिया।